नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं बिहार और देश की फटाफट 30 खबरों की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला पहलवान विनेश फोगाट का फाइनल में डिस्क्वालीफाई होना भारत के लिए बड़ा झटका था, जिससे गोल्ड और सिल्वर मेडल की संभावना समाप्त हो गई। इस स्थिति के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों से मुलाकात के दौरान विनेश फोगाट की सराहना की। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वे अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और अपराधियों का हौसला बुलंद है। कहा है कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। गूगल ने भारत में अपने सर्च इंजन में नया AI ओवरव्यू फीचर लॉन्च किया है, जो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। इस फीचर में टेक्स्ट टू स्पीच की सुविधा भी शामिल है, जिससे हिंदी भाषी यूजर्स को सर्च अनुभव और सहज हो जाएगा। पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव पटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसरो ने सफलतापूर्वक अपने SSLV-D3 रॉकेट की लॉन्चिंग कर ली है। इसी के साथ देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिल गया है। इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया गया, जो आपदाओं को अलर्ट देगा। इस मिशन की उम्र 1 साल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ हिंसा की स्थिति में संस्थान प्रमुख को 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपना खुद का स्पोर्ट्स ब्रांड लेकर आने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने स्विगी इंस्टामार्ट के पूर्व प्रमुख कार्तिक गुरुमूर्ति से हाथ मिलाया है। सचिन का यह स्टार्टअप देश में नाइकी और डेकाथलॉन जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देगा। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। कहा कि उन्होंने मां माटी मानुष को भूलकर भगवान राम को गाली देना शुरू कर दिया है। उन्होंने घटना की तुलना निर्भया कांड से किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि पिछले 1 दशक में PNG कनेक्शन 5 गुना, LPG कनेक्शन 2 गुना और इथेनॉल ब्लेंडिंग 10 गुना तेजी से बढ़ी है। क्या जन सुराज में करोड़ों रुपए देकर जोड़े जा रहे लोग? इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जन सुराज सत्ता में नहीं है और उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव पर तंज कसा और कहा कि शराब और बालू माफिया से पैसा इन लोगों ने लिया है। इंडियन रेलवे ने पैरामेडिकल के 1376 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 अगस्त 2024 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का 2 दिवसीय ऑक्शन में पहले दिन कई खिलाड़ियों पर बोली लगी। प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी सचिन तंवर बने। ईरानी ऑलराउंडर मोहम्मद दरेजा सादलोई चियाने दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। तीसरे महंगे खिलाड़ी पवन सेहरावत रहे। चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी गुमान सिंह रहे। वहीं 5वें महंगे खिलाड़ी सुनील कुमार रहे। पूर्वी और मध्य भारत में अगले सप्ताह भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके कारण कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आगामी दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि अगले 5 वर्षों में 75,000 नई MBBS सीटें जोड़ी जाएंगी। यह कदम मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। भैरोगंज हरिनगर के बीच दोहरीकरण कार्य के चलते 20 से 23 अगस्त तक गाड़ियों के परिचालन में आंशिक परिवर्तन होगा। गोरखपुर कैंट से नरकटियागंज तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन बगहा तक ही चलेगी, जबकि इंटरसिटी समेत अन्य ट्रेनें प्रभावित रहेंगी।
ब्रिटिश बाइक निर्माता BSA ने अपनी नई गोल्ड स्टार 650 को लेकर भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी है। इस लॉन्च इवेंट में आनंद महिंद्रा भी शामिल हुए और इसी दिन महिंद्रा की नई थार रोक्स भी पेश की गई। यह कदम भारतीय बाजार में BSA की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाता है। प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर हमला करते हुए कहा है कि इन लोगों ने नौकरी के बदले कई लोगों से जमीन लिखवाया है, अपने लिए मॉल बनवाया है। कम से कम उस पैसे का इस्तेमाल अपने ही कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कर लीजिए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई, वे शनिवार को भारत लौट रही हैं। हरियाणा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर उन्हें सराहा और कहा कि उनकी मेहनत किसी भी मेडल से बड़ी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित फ्रीडम सेल में इस साल ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की, जिससे रिटेलर्स और ब्रांड्स को बिक्री में 5-10% तक की वृद्धि देखने को मिली। इस बढ़ोतरी ने पिछले साल की तुलना में कारोबार को खासा लाभ पहुंचाया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, जो 116 देशों में फैल चुका है। बता दें कि 1958 में बंदरों में खोजा गया था और अब इंसानों में फैल रहा है। इस साल गाड़ी खरीदने पर ग्राहकों को बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि कंपनियां कारों पर 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक छूट दे रही है। पिछले साल अगस्त की तुलना में यह डिस्काउंट 2 गुना हो गया है। त्योहारी सीजन तक छूट और बढ़ने की उम्मीद है। अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाले कॉमेडी किंग राजपाल यादव इन दिनों मुसीबतों से घिरे हुए हैं। राजपाल यादव खुद बताते हैं कि संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा है। हाल ही में बैंक लोन न चुका पाने के एक मामले में उनकी यूपी स्थित पिता की प्रॉपर्टी बैंक ने कुर्क कर ली है। बिहार में अब 20% पुलिस थानों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी, इसकी घोषणा स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस महानिदेशक ने की। वर्तमान में बिहार पुलिस में करीब 30,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 223 अधिकारी थानों की प्रभारी हैं। भविष्य में महिला अधिकारियों की संख्या और बढ़ेगी। केंद्र सरकार किसानों की भलाई के लिए नया पहल शुरू कर रही है, जिसके तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान की बात नामक मासिक रेडियो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कृषि से जुड़े वैज्ञानिक जानकारियां और उपयोगी सुझाव प्रदान किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि चुनावी तारीखों की घोषणा होगी। भोजपुर जिले में सोन नदी के किनारे स्थित लगभग 110 स्कूलों में बड़े स्तर पर पुस्तकालय का निर्माण कराया जाएगा। इससे क्षेत्र के 40,000 छात्र छात्राओं के अलावे हजारों आम लोगों को भी लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि तरारी के देव में राष्ट्रीय संग्रहालय बनेगा, इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। अखबारों में कोचिंग सेंटर के विज्ञापनों की भरमार की ओर इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के युवाओं को खास सलाह दी है। धनखड़ ने सिविल सेवाओं के प्रति छात्रों के मुंह पर चिंता व्यक्त की है। पंकज त्रिपाठी ने हाल ही में अपनी सादगी के बारे में खुलासा किया कि उनके पास 2 ऑटो और 2 स्कूटर हैं। हालांकि काम के लिए उन्हें मजबूरी में एक बड़ी गाड़ी खरीदनी पड़ी थी, ताकि डायरेक्टर्स को यह न लगे कि वह साधारण अभिनेता हैं। इस वर्ष अभिनेता ऋषभ शेट्टी को उनकी शानदार भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से नित्या मेनन और मानसी पारेख को प्रदान किया गया। केंद्र सरकार ने बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग और बक्सर जिले के नवानगर में मल्टी सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में निवेश के अवसर और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण विकास की जानकारी दी। जिन्होंने हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट किया था, उनके नाम है गोनर शर्मा, नितेश कुमार सिंह, साधना देवी, जितेंद्र ठाकुर, राम बाबू दास, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, प्रीतम यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजन प्रकाश, संजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज SSLV D3 रॉकेट की लॉन्चिंग की है, देश को एक नया ऑपरेशनल रॉकेट मिला है, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।